तो आज आपको मैं सैर कराता हूँ बेल्जियम के उस शहर की जहाँ पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत खूबसूरत लम्हात वहाँ पर गुजारे। Hello everyone. So आज it's 21st of February और आज इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:40 और मैं तैयार मैार हो गया यूनिवर्सिटी जाने के लिए। 8:30 बजे निकल वहाँ से नाश्ता है मेरा करीबी वाला नाश्ता और साथ का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि मैं तैयार हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में आता है। वो देखे सामने धूप निकल आई है और होपफुली लेट्स सी क्या होता है। अगर ये बस ना हुई तो फिर दूसरे बस के लिए मुझे 34 मिनट इंतजार करना होगा। तो आई होप के ये बस ना गई हो, लेट्स सी क्या होता है। ये हमारा बस स्टेशन, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ का जो है मेन नेटवर्क है, मतलब कि आपको जो है तो सारा H&M CNA जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसके नेक्स्ट उसमें ही जो है तो एक ये स्ट्रीट है उसकी जोगली वाली स्ट्रीट है उसमें आपको। और यहाँ पर अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लाइक इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 800-900 फॉर एक रूम या अडबत में, क्योंकि यहाँ पर जो है तो घर जो है तो महंगे हैं अगर आप सेंटर में ले रहे हैं तो। एट द मोमेंट मेरी आज पहली क्लास थी तो ख़त्म हो गई है। अब आज मैं तो फारिग होती इसलिए घर की तरफ जा रहा हूँ, साथ के कुछ क्लासें हैं तो वो इसलिए अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पर मेरी पहली क्लास हुई है और फिर उसके बाद हम इस बिल्डिंग में जरा सा टाइम हमने गुजारा है। अब जो है तुम्हें बस की तरफ बहुत ही खूबसूरत और सुबह जब हम निकले तो उस टाइम धूप निकली हुई थी, लेकिन जब क्लास लेकर बाहर निकले तो ये देखे बारिश अभी भी खूब तेज बारिश चल रही है। एक मसला है यहाँ के साथ, लेकिन क्या करें जगह खूबसूरत है तो चलता है। ओ, येलो बनना जा रहा है साथ जो है तो मेरा
यहाँ पर साइकिल के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम घर से साइकिल के ऊपर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाए, लेकिन बस में जो है तो घंटा लग जाता है ये साइकिलों को देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई साइकिल पर आ रहा है, तो हमने भी साइकिल लेना है, साइकिल के बगैर जो है तो नहीं हो पाएगा। बाकी ये अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मेरी पहली क्लास हो गया, ये यहाँ से बस जाएगी, तो मैं जो तो क्लास वगैरह ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ, एक ओवन हमने लिया तो हमारे पास एक है, लेकिन वो माइक्रोवेव है, वो इलेक्ट्रिक ओवन है, तो वो अब साथ की क्लास है, तो वो उसने मुझे कहा है कि तुम जा कर ले आओ, तो वो लाने के लिए अब जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, और बारिश खूब तेज कर रही है। जस्ट लुक एट मेरे हाथों को देखे, सर्दी की वजह से कितना है। जस्ट लुक एट मेरी जैकेट, तेज बारिश हो रही है। अच्छा है कि मेरा ये जैकेट जो है तो पानी जो है तो अंदर नहीं जैसा करता, वरना तो बुरी बन जाना था। बारिश है, रुकती है, मैंने डर चुकी आता है, और ये ओवन पिक करने के लिए मैं इतना फार हुआ हूँ ना, पता नहीं कौन से गांव में जो है तो अपना घर बनाया हुआ है, सिर्फ परिंदे है खुली जमीन है। तो आफ्टर 2 घंटे जलील होने के बाद अभी घर पहुँचे हैं, और अब यार बस ज़रा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद मुझे आज लास्ट डेट है रेफरेंस लेटर अपलोड करने का, तो वो अपलोड करना है, किस लिए अपलोड करना है वो अभी आपको नहीं बताना, दुआ करें काम हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और बारिश बहुत ही गंदी बारिश हो रही है, बार बहुत ही ज़्यादा, और जो ओवन हम लाए हैं जिसके पीछे मैं इतना ख्वार हूँ, ये पिज़्ज़ा भी हमने उधर से खरीदा, तो आए इसे ट्राई करते हैं क्या हिसाब है, क्योंकि हमारे पास यह ओवन है लेकिन ये गर्म करने के लिए, तो ये हमने नया लिया, नया तो खैर नहीं है, लेकिन अब देखते हैं 20 मिनट का टाइम लिया कि क्या होता है, तब तक मैं आपको बारिश का सीन बताता हूँ, जो तो बहुत जरूरी किया। तो इस टाइम बज रहे हैं 8 बजे, और मैं भी नींद से उठा हूँ, मैं तो उस टाइम सोया था, तो अब मैं जूँ तो रात सो गए, मैं जूँ तो आप अपने लिए बिरयानी बना लो, ये देखें हाथ भी कट गए। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। जिंदाबाद पुत्र बहुत ही मजे हैं।